देखो आपने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन परचेज किया गया जिसका कॉस्ट है 5 लाख, फिर 1/10/2019 को एक अनदर मशीन परचेज किया है जिसका कॉस्ट है 2 लाख, अब 1/7/2021 को क्या किए, 2021 बोल रहे हैं, 20 भी नहीं 21, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मशीन जिसको 1/4/2019 को लिए थे जिसका कॉस्ट 2 लाख, तो 1/4/2019 को 5 लाख का मशीन लिए थे, उसमें से एक पार्ट जिसका दाम 2 लाख था उसको 90,000 में बेच दिए और सेम डे एक और मशीन परचेज कर लिए 1 लाख रुपए। अपने को बोला है डेप्रिसिएशन का वर्किंग दिखाओ 2019, 20 और 21 का, और अकाउंटिंग ये जनवरी टू दिसंबर है आपका, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अंडर WDV, ठीक है? तो वर्किंग तो बेटा सेम ही होगा चाहे विद प्रोविजन हो या विदाउट प्रोविजन हो, वो तो केवल पुटिंग में चेंज होगा। तो अपने को पहले विदाउट प्रोविजन इसका पहले अपने वर्किंग कर ले रहे हैं, फिर इसी का पुटिंग विदाउट प्रोविजन करते हैं और फिर विद प्रोविजन अपने लोग देखेंगे। तो देखो पहले वर्किंग देखो क्या हुआ था, 1/4/2019 को एक मशीन लिया 5 लाख का, लेकिन अपने को तो पता है उसका आगे जाके 2 लाख का एक पार्ट बिक गया, तो हम बिगनिंग से उसको 2 लाख और 3 लाख का दो मशीन की तरह ट्रीट कर ले। तो देखो हम वही के यहाँ पे 2 लाख और 3 लाख का दो मशीन ट्रीट कर लिए, फिर 1/10/2019 को दोबारा एक और मशीन खरीदे अनदर मशीन परचेज को 2 लाख, तो देखो 1/10/2019 को फिर 2 लाख का एक मशीन ले ली। अब अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है यहाँ पे, जनवरी टू दिसंबर बोला, तो अपने 31 दिसंबर आएगा नेक्स्ट डेट जहाँ पे अकाउंटिंग ईयर बंद करना है अपने को, ठीक बात? हाँ, तो देखो 1 अप्रैल 2019 को लिए थे और 31 दिसंबर 2019 ईयर एंडिंग हो रहा है, यानी करंट ईयर में 9 मंथ यूज हुआ एसेट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 2 लाख पे 10%, क्योंकि 10% रेट बोला है, 2 लाख का 10% इंटू 9/12 वो आएगा 15,000, ठीक है? अब फिर वैसे ही 3 लाख का भी 10% इंटू 9/12 वो आएगा 22,500। फिर बोला एक अक्टूबर को एक मशीन खरीदे 2 लाख का, फिर उस पर दो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यूज हुआ, 1 अक्टूबर को लिया 1 अक्टूबर, यानी पूरा अक्टूबर भी यूज हुआ है, अक्टूबर भी यूज हुआ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यूज हुआ, तो 2 लाख का 10% इंटू 3/12 5,000 आएगा, ये देखो 5,000 डिप्री हुआ, तो फर्स्ट ईयर में तीनों एसेट का डिप्री हुआ। अब 1/1/2020 यानी फिर से उस दिन बैलेंस बचा 1,85,000, 2,77,500 और 1,95,000। अब आया सर 2020 में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम बोल रहे हैं 19 में खरीदा था ये मशीन, 2021 में जाके एक पार्ट बेचे, 2020 में ना कुछ नया खरीदे ना कुछ बेचे, तो फिर वो नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वेरी गुड, तो 31/12/2020 आ गया जिस दिन फिर से डिप्री हो रहा है, तो उस दिन देखो अब ये WDV मेथड है, जो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में बैलेंस पे डिप्री होता है, और यही स्ट्रेट लाइन होता तो फिर 2 लाख पे डिप्री करते, 3 लाख पे डिप्री करते, फिर 2 लाख पे डिप्री करते, है ना? लेकिन ये क्योंकि WDV है तो 1,85,000 का 10% 18,500, 2,77,500 का 10% 2,77,50 और 1,95,000 का 10% 19,500। हाँ सर, तो अपना वैल्यू बचा 1/1/2021 को 166,500, 249,750 और 175,500। हाँ सर, अब आएगा सर, अब आप ये मशीन एक पार्ट बेचिए, पहला वाला पार्ट कब बेचिए, आप बेचिए सर 1 अप्रैल 2019, नहीं तो परचेज वाला बता रहे, बेचा कब है, बेचा है इधर सेम डे पे बेचा सर, नहीं ये बता रहे 1 अप्रैल 19 को जो परचेज किए थे वो 2 लाख का मशीन बेचे 1 जुलाई 2021 को, लिखा गया देखो यहाँ पे ऑन 1 जुलाई 2021 वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख सोल्ड फॉर 90,000, है ना? तो 1 जुलाई तक यूज किए 1 अप्रैल जनवरी से लेके, यानी 6 महीना ऐसे यूज हुआ,
तो 166,500 इनटू 10% इनटू 6/12 ये आएगा 8,325, ठीक है। अब क्या किए सर, आपका वैल्यू कितना बचा है 1 जुलाई को, मतलब 158,175, उसको आप 90,000 में बेचियो, माने आप लॉस खाए हो 68,175, ठीक बात। सेम डे बोल रहे हैं एक और मशीन परचेज कर ली, है ना। यहाँ क्वेश्चन बोला था कि हम सेम डे अनदर मशीन परचेज फॉर 1 लाख, तो 1 जुलाई वाला डेट को जिस दिन हम ये लिख रहे थे उसी दिन देखो यहाँ पे 1 लाख लिख दिए। अब ईयर एंडिंग आएगा फिर 31 दिसंबर 2021, तब तक ये एसेट बचा 249,750 का, उसका डेप्रिसिएशन 24,975, 175,500 का 10% 17,550, और 1 लाख का 10% 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को लिए थे, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ एसेट यूज हुआ, तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, 1 लाख का 10% 10,000 होता है। 10% निकालना सबसे आसान है बेटा, लास्ट डिजिट उड़ा दो, ठीक है ना। हाँ तो सर आपका 10,000 आ रहा था तो 6 महीने का 5,000 हो जाएगा आधा, तो आपका वैल्यू जो बचा वो बचा 1 जनवरी 2022 को 224,775, 157,950 और 95, ठीक बात है। अब हमने यही कैलकुलेशन को अपने को पुटिंग करना है अंडर, पहले अपने एक बार रिकैप कर रहे हैं अंडर विदाउट प्रोविजन मेथड। तो विदाउट प्रोविजन मेथड में हम दो लेजर बनाते हैं, एक एसेट अकाउंट और एक बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पहला डेट क्या आ रहा है मेरा वर्किंग में देखो, 1 अप्रैल 2019 उस दिन 5 लाख का एक मशीन खरीदे, और फिर 1 अक्टूबर 2019 उस दिन 2 लाख का एक और मशीन खरीदे। तो यहाँ पुटिंग करेंगे 1 अप्रैल 2019 को 2 बैंक या कैश अगर उधार में लिए तो 2 क्रेडिटर 5 लाख, और फिर 1 अक्टूबर 2019 को फिर से 2 बैंक या कैश या अगर उधार में लिए तो क्रेडिटर 2 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट डेट क्या आएगा सर, 31 दिसंबर 2019 उस दिन डेप्री हुआ, कितना डेप्री हुआ 15,000 22,500 और 5,000, तो 15 और 5 20,000 और 42,500 का डेप्री होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 31/12/2019 को बाई डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा 42,500। स्क्रीन पे दोनों पीडीएफ बदल रहे हैं तो आ रहे हैं ना, जितना मैं आंसर लिख रहा हूँ। हाँ फिर 31 दिसंबर को बाई बैलेंस सीडी, मेरे पास 7 लाख का मशीन है, 7 लाख में से 42,500 गया, 7 लाख में 40 गया तो 660 और 2 गया तो 657,500। हाँ फिर आ गया नेक्स्ट डेट 1 जनवरी 2020, उस दिन 2 बैलेंस बीडी, वही कितना बैलेंस आएगा 6,67,500, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6,57,500। फिर उस साल कोई और मशीन खरीदे ही नहीं सर, तो उस साल खाली ईयर एंडिंग में 2020 में डेप्री आया केवल, फिर से बाई डेप कितने का डेप्री आएगा ये देखो 18,500, 27,750 और 19,500, तो 19,938,000। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो आप, हेलो I'm sorry sir, एक आप बताइए सर, कौन सा वाला पार्ट आप कंटिन्यू कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा हम तीनों का डिप्री का टोटल करने बोल रहे हैं 18,500, 27,750 और 19,500, ठीक है सर अभी करते हो। ये आएगा 65,750 आ रहा है। हाँ हाँ वही आ रहा है। 65,750 यहाँ पे लिख देंगे,
तो मेरा बैलेंस शीट ही बचेगा 657,500 माइनस 65,750 कितना आएगा, जो कि मैं कर दूंगी। ठीक है, अब आ गया लास्ट ईयर सर्व साल, फिर एक अप्रैल 1 जनवरी 2021 को आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 591,750। उस साल 1 जुलाई को एक मशीन खरीदे भी हैं तो फिर वो टू बैंक 1 लाख। अब पंगा है सर, जो मशीन बेची आप 1 जुलाई तो पहले उसका डिप्री, उसका सेल वैल्यू बाय कैश, बाय बैंक या बाय कैश जो भी है, और उसका लॉस, लॉस हो रहा है इसलिए भाई पीएल प्रॉफिट होता तो 2 PL कर देते। ठीक है, तो सर भाई डेप्री उसका कितना हो रहा है, सर उसका डेप्री हो रहा है आपका 8,325 और आप 90,000 में बेचे हो और आपको लॉस हुआ है 68,175, क्योंकि लॉस डेप्री और सेल तीनों ही एसेट के वैल्यू को कम करता है इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं। जब जब एसेट बढ़े तो डेबिट, जब जब एसेट घटे तो क्रेडिट। तो डिप्री हुआ उसका 8,325, उसको बेचे हैं 90,000 में और लॉस हुआ है मेरे को 68,175। बाकी बचा हुआ एसेट का 31 दिसंबर 2021 को फिर से डिप्री, बचे हुए एसेट का डिप्री आएगा आपका, देखो यहाँ पे 24,975 प्लस 17550 प्लस 5000 47,525 तो 47,525 मेरे इधर का डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 591,750 प्लस 1 लाख तो 691,750, जिसमें से हम माइनस कर देंगे ये सब तो भाई बैलेंस सीडी आ जाएगा बचा हुआ, तो 6 मेरा फिगर आ रहा है इधर 691,750 माइनस 8,325 माइनस 90,000 माइनस 68,175 माइनस 47,525 तो मेरा बच रहा है 477। हाँ ठीक, 725 ये मेरा बैलेंस बच रहा है, ये मेरे रिमेनिंग एसेट का वैल्यू रह गया ईयर एंडिंग के लिए, तो जो कि नेक्स्ट डेट को फिर से ओपनिंग बन जाएगा 1 जनवरी 2022 को मेरा फिर से ओपनिंग बन जाएगा 477,725, बस ओपनिंग बैलेंस शो करके बंद कर दो। ये था मेरा प्रेजेंटेशन अंडर विदाउट प्रोविजन मेथड, यानी कुल मिला के देखा जाए तो जनरल एंट्रीज भी अगर साथ साथ में बात करें तो क्या पास हुआ, फर्स्ट ईयर में एसेट परचेज का एंट्री हुआ तो 5 लाख, तो एसेट टू बैंक 5 लाख का, सेकंड एंट्री हुआ डेप्री का तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, नहीं एक और एंट्री हुआ सर 1 अक्टूबर को आपका फिर से परचेज का एसेट टू बैंक 1 लाख 2 लाख का, फिर आपका उसी ईयर में डेप्री हुआ 42,500 का, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 42,500 का, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी सर खाली डेप्री हुआ तो डेप्री टू एसेट 42,500 का, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। थर्ड ईयर में आपका पहले डेप्री हुआ 8,325 का, तो डेप्री टू एसेट 8,325, फिर आपका सेल हुआ तो सेल में आपको लॉस हुआ तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, सेल हुआ है लॉस हुआ है तो पीएल अकाउंट डेबिट, और एसेट चला गया तो टू एसेट। आपको 90,000 में आप बेचे, आपको लॉस हुआ है 68,175 का, और आप लॉस आपका एसेट चला गया टोटल
68175 प्लस 90,000 आपका एसेट चला गया 158175 का आपका एसेट चला गया 158175, ठीक है। और थर्ड ईयर में एक और परचेज हुआ तो फिर एसेट टू बैंक होगा 1,00,000 का। और थर्ड ईयर में जो रिमेनिंग एसेट का डिप्री हुआ तो फिर डिप्री टू एसेट 47525 का। अब अगर हम यहाँ पे डिप्री का भी लेजर बनाते हैं सर साथ साथ में, है ना, तो डिप्री का लेजर क्या बनता सर? डिप्री का लेजर सबसे आसान बनता, पहला साल हम लिख रहे हैं टू एसेट 42,500, उसी को यहाँ पे बाई पी एल कर दे रहे हैं। और सब ये सारा एंट्री 31st के एंडिंग की डेट को ही होगा, बाई पी एल 42,500 कर देते। सेकेंड ईयर भी सर ओनली डिप्री हुआ आपका कितने का? सेकेंड ईयर में आपका डिप्री हुआ 65,750 का, तो आप फिर वही करते हैं यहाँ पे 65,725 लिखते हैं और फिर उसको भी क्लोज कर देते भाई पीएल बोल के। इधर में लिखते टू एसेट और इधर में लिखते बाई पीएल। थर्ड ईयर में आपका दो डिप्री हुआ है, जो एसेट बिक गया वो 8,325, ये आपका हुआ 1 जुलाई को टू एसेट, और फिर एक 31st दिसंबर को फिर से टू एसेट रिमेनिंग एसेट का डिप्री डिप्री हुआ है 47,525, यहाँ लिख देते 47,525 और इसी को कर देते बाई पी एल पूरा एक साथ। सर बाई पी एल ऑलवेज लास्ट डेट को होगा 31st दिसंबर को, ठीक है, ये ध्यान रखना। भले ही डिप्री ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है जो एसेट बिक गया वो, लेकिन सारा मिला के डिप्री एक साथ पी एल में ईयर एंडिंग के दिन ही भेजेंगे, ठीक है सर। जो भी ये टोटल आता वो पूरा का पूरा बाई पी एल, यानी एवरी ईयर एक और एक्स्ट्रा एंट्री पास हो रहा है सर आपका पी एल टू डेप एवरी ईयर एक और एंट्री पास हो रहा है। तो हर साल देखा जाए तो तीन एंट्री पास हो रहा है, परचेज का एंट्री, डिप्री का एंट्री, पीएल में ट्रांसफर का एंट्री। और जिस ईयर बीच दे रहे हैं उस साल एक और एक्स्ट्रा एंट्री आ जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये आपका विदाउट प्रोविजन मेथड। अब आओ विद प्रोविजन, ठीक है, ये एक रिकैप करते हुए किए ताकि क्लैरिटी रहे। अब बेटा विद प्रोविजन में आपको मेनली देखा जाए तो चार लेजर खोलना पड़ेगा, एक एसेट अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डिप्री अकाउंट और एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट और एक डिप्री अकाउंट। आई रिपीट, आपको चार लेजर खोलने पड़ेंगे, एक तो एसेट अकाउंट जो भी मशीन फर्नीचर जो भी उसका अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डिप्री अकाउंट, तीसरा खुलेगा आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट और चौथा खुलेगा डिप्री अकाउंट। अच्छा सर, एसेट डिस्पोजल देख के समझ में आ रहा है कि बेच दिया गया है। हाँ, जिस ईयर बेच रहे हैं केवल उस ईयर के लिए खुले गई। ये एसेट वाले अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर बोला तो अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा और मेनली बोलेगा ही आपको, ठीक है। अगर नहीं खोलने बोलता एसेट डिस्पोजल तो एसेट वाले अकाउंट में लिख सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, बात समझ में, ये प्रोविजन मेथड है क्या सर, क्यों है? होता क्या है, कई एक बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना वो लोग फॉलो करती है, लेकिन वो लोग बोलती है हमारा एसेट अकाउंट में हर बार डिप्री शो करने के कारण एसेट का फाइनल वैल्यू बचता है एवरी ईयर एंड में। ऐसे करते करते अगर हम 5 साल डिप्रिसिएशन कर लिए, अब अचानक कोई हमसे पूछे ये एसेट खरीदे कितने में थे, वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट देख के तुरंत पता नहीं चलेगा, उसके लिए हमको 5 साल पुराना बुक खोल के देखना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी हम जो डिप्री अकाउंट खोले ये वाला, हम एक एसेट लिया था 5,00,000 में, लेकिन डिप्री एवरी ईयर होते होते उसका वैल्यू कुछ अजीब वगैरह बच रहा है ईयर एंडिंग में हर साल। अचानक 3 साल बाद कोई आपसे पूछे बताओ ये एसेट परचेज कितने में किए थे, एसेट का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वो आपको 3 साल पुराना अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा। तो ये पंगा वाला बात। कोई आपसे सेपरेट पूछ ले बताओ हर एसेट पे अलग अलग डिप्री कितना हुआ और उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था, तो सारे लेजर्स को खोल खोल के देखना पड़ेगा। कंपनी ये नहीं चाहती, कंपनी चाहता है उसका एसेट का ओरिजिनल वैल्यू अलग से बुक्स में हर साल शो करता रहे। तो वो लोग क्या करता है, डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करता है। आई रिपीट,
डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेट करता है मतलब जोड़ के एक जगह अलग लिख के रखते हैं। इसीलिए इस मेथड को जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेजर खोलोगे ना आप, उसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कंपनी लेवल पे इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बोलते, बोलो बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, LLP, HUF ये लोग बोलते हैं ठीक है हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखे। ठीक, तो नामकरण समझ में आया क्या है? हाँ, क्यों है? क्योंकि कंपनी चाहता है उसका एसेट का ओरिजिनल वैल्यू अलग से शो करे और डेप्रिसिएशन अलग जगह लिख के रखे। ओके, जिस साल एसेट बेचे केवल उस साल उसका डेप्रिसिएशन कैंसिल होगा। सर ये बात समझ में नहीं आया है ना? हाँ, अब मेरा दो इम्पोर्टेंट बात सुनना, ये जो प्रोविजन मेथड है इसमें हम दो इम्पोर्टेंट बात लिखवा रहे हैं आपको, दो इम्पोर्टेंट लाइन नोट डाउन करवा रहे हैं। ये लाइन नोट डाउन कर लेना और यही लाइन में पूरा निचोड़ है जो आपको करना है एक्चुअली प्रैक्टिकल समझ। पहला इम्पोर्टेंट लाइन, डेप्री विल नॉट कम इन एसेट अकाउंट। अभी तो क्या कर रहे थे, हर बार बाई डेप्री लिख रहे थे ना एसेट के लेजर में, वो नहीं होगा। इट विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला लाइन तो ये काम का बात है। एवरी ईयर आपका डेप्री एसेट अकाउंट में नहीं आएगा, तो सेपरेटली प्रोविजन फॉर डेप्री के लेजर में रिकॉर्ड हो। ये बात क्रिस्टल क्लियर? हाँ सर। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना और चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर केवल हमको आपको दिखाना है ये प्रेजेंट कैसे हो। ईयर इन विच एसेट हैज बीन सोल्ड, जिस ईयर में एसेट बेच रहे हैं, इन दैट ईयर वी विल कैंसल, वी विल कैंसल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड एंड नंबर टू, दो काम करना है उस दिन, एक तो जो एसेट बिक गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट बुक से हटा देना है, और दूसरा टोटल डेप्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, दो चीजों को बुक से डिलीट करना है, हटाना है, कैंसिल करना है। क्या दो चीज? एक तो जो एसेट बिक गया उसका ओरिजिनल वैल्यू, और जो एसेट बिका है उसका अब तक का लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन, मतलब हम 3 साल यूज किए हैं तो 3 साल का जो टोटल डेप्री हुआ है उसका, वो भी प्रोविजन अकाउंट से कैंसिल हो जाए। तो हर बार डेप्री जमा करके रखो, जब एसेट बिक जाए उसका डेप्री बुक से हटा दो और एसेट को बुक से डिलीट कर दो। ठीक है? हाँ। सर चलिए इसका प्रेजेंटेशन समझते हैं। हाँ, तो ये जो मेरा एग्जांपल है बेटा, मेरा मास्टर प्रॉब्लम, उसी को पकड़े, यही वर्किंग पकड़े, तो वर्किंग दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ये लोग प्रेजेंटेशन पे आते हैं, देखो हम पहला अकाउंट क्या खोला, एसेट अकाउंट। क्या हुआ था सर, 1 अप्रैल को 5 लाख का मशीन खरीदे, फिर 1 अक्टूबर को 2 लाख का मशीन खरीदे थे मशीन। तो देखो एसेट अकाउंट में 1 अप्रैल को 2 कैशिया बैंक, फिर 1 अक्टूबर को भी 2 कैशिया बैंक। ठीक, यहाँ बाई डेप्री लिखते थे ना, यहाँ बाई डेप्री लिखते थे, वो नहीं लिख रहे हैं। देखो एसेट अकाउंट में डेप्री नहीं आएगा, मेरा पहला लाइन, हम बोले थे एसेट अकाउंट में डेप्री को नोट डाउन नहीं करेंगे तो नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, एसेट को बैलेंस सीडी कर दिए 7 लाख। ठीक है, सेकेंड ईयर में सर वही बैलेंस बीडी हुआ 7 लाख, फिर डेप्री हुआ, वो तो रिकॉर्ड करना नहीं है, देखो फिर बैलेंस सीडी 7 लाख रह गया। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या हुआ,
सर ये 7 लाख बैलेंस बिली हुआ, 1 लाख का आप नया खरीदे और कौन सा एसेट बिका, 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट वाला? हाँ सर। तो देखो 2 लाख पूरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, यहाँ से हटाने कैंसिल करने बोले ना मैसेज अकाउंट से। हाँ। तो देखो एसेट बुक करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, तो कैंसिल करना है तो किधर लिखे, क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड में लिखे। तो देखो 2 लाख क्रेडिट में लिखे, बैलेंस 6 लाख का एसेट रहेगा। तो कोई भी अचानक थर्ड ईयर में भी आके मेरे से पूछे तुम्हारा अभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एसेट खरीदे थे उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना, बोलो कि जो एसेट अभी बुक में बचा हुआ उसका ओरिजिनल वैल्यू 6 लाख है ना। तो ये हुआ एसेट अकाउंट, आप पहले लेजर समझ लो फिर हम इसको जनरल सिखा देंगे आपको। तो एसेट बनाना, एसेट अकाउंट कैसे बनेगा समझ में आया? हर साल जब एसेट खरीदेंगे तो डेबिट किए, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जितना बुक का वैल्यू है वही बैलेंस शीट हो जाएगा। खाली जिस ये सोल्ड किए उस साल उस एसेट का ओरिजिनल वैल्यू कैंसिल कर दिए, यानी क्रेडिट कर दिए जो एसेट बिक गया उसका वैल्यू, ठीक बात। ओरिजिनल वैल्यू यानी 2 लाख उसका परचेज प्राइस था मेरे क्वेश्चन में। चलो अब आप प्रोविजन अकाउंट कैसे बनेगा, तो देखो पहला साल का डिप्री कितना था, 42,500। तो देखो क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट में बाई डेप्री 42,500। सब क्रेडिट में क्यों लिखे बेटा, प्रोविजन एक लाइबिलिटी का लेजर, प्रोविजन ऑलवेज इज अ लाइबिलिटी लेजर, लाइबिलिटी का किधर बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो देखो इसीलिए बाई डेप्री 42,500 कहाँ बुकिंग की है, क्रेडिट। तुरंत डेप्री अकाउंट में क्या करेंगे सर, टू प्रोविजन लिख के डेबिट में लिखते हैं, वहां टू एसेट लिख के लिखते थे या टू, क्योंकि वहां पे एसेट अकाउंट में डेप्री जाता था, या प्रोविजन अकाउंट में डेप्री जाता है, इसलिए भाई टू प्रोविजन लिख दी, ठीक है। और डेप्री अकाउंट बनाना तो बच्चा वाला बात है सर, जितना लिखे उसी को भाई पीएल करके बंद कर दी। तो तीनों लेजर में पुटिंग हुआ डेप्री का। अब यही देखो प्रोविजन लेजर में क्या बोले थे हम, डेप्री को एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते जाते हैं, इसीलिए टू बैलेंस सीढ़ी करके इसको 42,500 लिख दी। सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर ये बाई बैलेंस बीडी 42,500। सेकेंड ईयर का डिप्री कितना था, 65,750। ये देखो सेकेंड ईयर का डिप्री अपने यहाँ लिखे रहा, ये रहा 65,750। उसको फिर यहाँ लिखे, दोनों को जोड़े, फिर इसको बैलेंस सीढ़ी कर दिए, मतलब डेप्रिसिएशन इकट्ठा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है। थर्ड ईयर में क्या होगा आप देखो, फिर इसको बाय बैलेंस सीढ़ी लिखे बीडी, सॉरी जो एसेट बिका उसको बाय डेप्री लिखे 8,325। बचा हुआ एसेट का भी डेप्री लिखे 47,525। और जो एसेट बिक गया उसका टोटल डेप्री कितना है देखो जरा, पहला ईयर में कितना था उसका डिप्री, 15,000 है ना। फर्स्ट ईयर में उसका डिप्री था 15,000, सेकेंड ईयर में 18,500 और थर्ड ईयर में 8,325। तो यही उसका लाइफ टाइम डिप्री है जो एसेट बिक गया, कितना वैल्यू होगा 15,000 और 18,000, 33,500 प्लस 8,325 ये क्या किए देखो हम, 41,825 को बुक से टू एसेट डिस्पोजल बोल के कैंसिल कर दिए। जब जब डेप्री हो रहा था प्रोविजन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में लिख रहे थे तो उसको कैंसिल करना है तो क्या करे, डेबिट में लिखो। तो यही तो आपको हम 2 लाइन 3 लाइन सिखाए थे, एसेट अकाउंट में डेप्री नहीं आएगा वो कहाँ जाएगा, प्रोविजन अकाउंट में। दूसरा बात सिखाए थे जिस ईयर एसेट बिका उस साल एसेट अकाउंट से भी उसको उड़ा दो उसका कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट, और डेप्री अकाउंट से भी उसका लाइफ टाइम डेप्री उड़ा दो। तो जैसे उड़ा दिए 41,825, ठीक है, बाकी बचा हुआ एसेट का डिप्री बच गया बैलेंस शीट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब आ जाओ एसेट डिस्पोजल खाली ईयर ऑफ द सेल में बनेगा। तो देखो जब हम एसेट उड़ा रहे हैं तो हम एसेट अकाउंट में क्या लिखा है, टू एसेट डिस्पोजल 2 लाख,
तो वही यहाँ पे आगे लिखे टू एसेट डिस्पोजल 2 लाख, उसको बेचे हैं तो भाई बैंक 90,000, उसका जो अब तक का लाइफ टाइम डिप्री जब कैंसिल किए 41,825, तो प्रोविजन अकाउंट में क्या लिखे टू एसेट डिस्पोजल, यहाँ लिख देंगे भाई प्रोविजन 48,825, बचा हुआ अमाउंट ऑटोमेटिक उसका लॉस होगा, बहुत साइड मैच हो जाना चाहिए, बचा हुआ अमाउंट उसका अल्टीमेटली लॉस या प्रॉफिट होगा अपने आप ही, जो तुम्हारे वर्किंग से मैच हो जाना चाहिए। ओके सर। नहीं मैच हो मतलब तुम कहीं ब्लंडर किए कैलकुलेशन, ठीक है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाना चाहिए। और डिप्री अकाउंट में तो कुछ भी कहानी नहीं है, हर बार यहाँ बाई प्रोविजन लिखेंगे, यहाँ पे उसको बाई पीएल करेंगे, यहाँ टू प्रोविजन लिखेंगे, यहाँ उसको बाई पीएल करते रहेंगे, ठीक बात सर। अब आ जाओ इसके जर्नल्स पे और टॉपिक खत्म। देखो इसका जर्नल एंट्री क्या क्या पास होगा, एक मिनट रुको इसको रख कर। हाँ तो फर्स्ट ईयर क्या क्या एंट्री पास हुआ प्रोविजन मेथड में सर, जब एसेट खरीदेंगे तो ईयर वन में आपका पहला एंट्री बड़ा सिंपल एसेट परचेज का, तो एसेट टू बैंक 5 लाख का लिए थे आप। सेकेंड एंट्री फिर आप, ये तो 1 अप्रैल को हुआ था, 1 अप्रैल 2019, फिर आप अक्टूबर में भी लिए एक नया एसेट, फिर एसेट टू बैंक 2 लाख का। अब आया आपका 31/3/2012, जिस दिन आप क्या किया एसेट प्रोविजन अकाउंट से कर रहे हो डिप्री का काम, वहां आप कर देते थे डिप्री टू एसेट, यहां कर दो डिप्री टू प्रोविजन फॉर बैंक डिप्रिसिएशन, ठीक है सर। कितना गया था 42,750 है ना सर, हाँ 42,500 था। ये देख लो, ये देखो यहाँ से देखते हुए चलो, ये देखो पहला साल का डिप्री 42,500 एंट्री पास कर दिए। अब ये डिप्री टू पीएल तो कॉमन, पीएल टू डेप तो कॉमन एंट्री है, तो यहाँ देखा जाए तो सब कुछ जनरल सेम ही रहा, एसेट खरीदने का जनरल सेम ही रहा, बस खाली डिप्री का एंट्री बदल गया, वहां पे करते थे डिप्री टू एसेट या डिप्री टू प्रोविजन, बाकी सारा तीनों एंट्री कॉमन रहा। हाँ सर। सेकेंड ईयर में क्या हुआ सर, फिर आप एक नया मशीन कुछ भी नहीं किया, नया खरीदने का काम तो खाली डिप्री टू प्रोविजन फॉर डेप है ना, कितना अमाउंट आएगा 65,750, यहाँ पे 65,750 सेकेंड ईयर का डिप्री, और ये पूरा का पूरा पीएल में भेज देंगे तो पीएल टू डे 65,750। अब एसेट जिस दिन बेच रहे हैं ना जिस ईयर में, उस ईयर थोड़ा सा बात आएगा थर्ड ईयर में क्या क्या एंट्री पास होगा सर। थर्ड ईयर में आप 1 जुलाई को मशीन बेच रहे हैं तो पहले उसका डिप्री हो रहा है, तो डिप्री का तो एंट्री वही है डेप टू प्रोविजन, डेप टू प्रोविजन 8,325 जो ऐसे बिका उसका डिप्री था, ये देख लो जो ऐसे बिका उसका डिप्री 8,325 था। अब उसको बेचने का एंट्री हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ बेचने के पहले हम क्या कर रहे हैं सर, अब 2 काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक जो एसेट बिक गया उसका पूरा वैल्यू को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू को, और 2 आपका जो प्रोविजन फॉर डिप्री है वहां से भी उसका लाइफ टाइम डिप्री को कैंसिल करके एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेज दे रहे हैं, तो एसेट का ओरिजिनल वैल्यू और जो एसेट बिक गया उसका फुल डिप्री दोनों को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होना चाहिए, जब एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो जब आता है तो टू एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट होता है तो ट्रांसफर होगा तो टू एसेट, प्रोविजन अकाउंट क्या होता था क्रेडिट, पहले आप एसेट ट्रांसफर कर लो तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, पूरा 2 लाख का एसेट ट्रांसफर कर दिए, ठीक बात, और अब प्रोविजन भी ट्रांसफर करो तो प्रोविजन क्रेडिट होता है जब क्रिएट करते हैं तो खत्म करना है तो डेबिट होगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, कितना उसका लाइफ टाइम डेप्री था 41,825, तीनों साल का मिला के जो उसका डिप्री था भेज दिए। अब सीधा सा बात, जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट से एसेट बिक रहा है तो
तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, इतना में बिका 90,000 में, लॉस कितने का खाए, 60 समथिंग का था लॉस खाए हैं, 68,175 तो लॉस खाए हैं, 68,175 एसेट कितने का ख़त्म, सर एसेट ख़त्म आपका इन दोनों वैल्यू को जोड़ के आ रहा था 41 और 68,25, इसका वैल्यू आ रहा था जुड़ के 41,825 + 68,175 + 90,000 नहीं कुछ जरूर भाई, हाँ 2,00,000 का ही पूरा एसेट गया, ठीक है बैंक 90,000 + 60,000 90,000 + 68,175 तो आपका एसेट गया 158,175 ठीक है, ठीक है सर, ये आपका एंट्री पास हो। अब जो बचा हुआ एसेट है जो नया खरीदे उसका एंट्री तो होगा ही, फिर से 1,00,000 का जो नया खरीदे बचा हुआ एसेट का डिप्री भी होगा, तो वहाँ भी होगा डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और फिर सारा डिप्री को पीएल में भी भेजना है तो वो तो कॉमन एंट्री। तो आपका देखा जाए तो यहाँ टोटल 5 जनरल एंट्री बन रहा प्रोविजन मेथड पर, एसेट खरीदने का एंट्री पहले एक बार विद प्रोविजन विदाउट प्रोविजन बोलते हैं, वहाँ टोटल 4 ही जनरल बनता है बेटा। पहला जनरल एसेट खरीदने का क्या एंट्री होगा, एसेट टू बैंक। दूसरा जनरल डिप्री का, तो डिप्री टू एसेट, हम विदाउट प्रोविजन मेथड का बात कर रहे हैं पहले, डिप्री टू एसेट, ये दो एंट्री कॉमन है, जब खरीदे तब, जब डिप्री करें तब, और फिर साथ साथ डिप्री को पीएल में भेज दें तो पीएल टू डिप्रिसिएशन। और चौथा एंट्री बनता है वहां पे जब एसेट बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट, और प्रॉफिट हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट टू पीएल, ठीक है। विदाउट प्रोविजन में ये 4 ही एंट्री बनेगा, विद प्रोविजन में सर जब एसेट खरीदे तो एसेट टू बैंक, जब एसेट को डिप्री करे तो डिप्री टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्री एसेट में नहीं भेजेंगे ना यहाँ पे, तो प्रोविजन मेथड में, तो यहाँ पे डिप्री टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और जब डिप्री को पीएल में भेजना हो तो कॉमन एंट्री है पीएल टू डिप्रिसिएशन। जिस ईयर एसेट बेचेंगे उस साल डिप्री को भी और एसेट को भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेजना, तो चौथा एंट्री आ रहा है एसेट डिस्पोजल टू एसेट, पांचवा एंट्री आ रहा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल, ठीक है। और लास्ट एंट्री बेचने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ओके सर, अब आपका क्वेश्चन पे आते हैं जो आप स्टार्टिंग में बोले थे कि सर अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाए तो बेटा ये काम करो फिर एसेट अकाउंट में, तो ये 2,00,000 लिखोगे, देखो तब क्या होता है, जिस ईयर बेच रहे हैं उस साल क्या होता है वो दिखाते हैं आपको, थोड़ा जगह लेते हैं यहाँ पे करते हैं, तब क्या होता है एसेट अकाउंट में, एसेट डिस्पोजल नहीं बोलते, जिस ईयर सेल हो रहा है उस साल बाई एसेट तो लिखते ही, जो एसेट कैंसिल हो रहे हैं 2,00,000, ठीक है। अब यहां पर लिख देते हैं बाय प्रोविजन फॉर, जो आप एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर किया ना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वो यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल के एसेट अकाउंट में लिख देते हैं, और यहीं पर बाय बैंक और बाय पीएल कर देते, ठीक है। जिस ईयर एसेट बेचिए, लेकिन आपको बोलेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोलने, नहीं भी बोले तो खोल के कर दो बेटर होगा, तब क्या होता है ना उस पर्टिकुलर एसेट का अलग से ट्रीटमेंट हो गया। तो स्कूल में देख लो अगर बोलता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोलने तो क्या, तो यही होगा, अगर नहीं खोलने बोले मैम
तब क्या करना, एसेट अकाउंट जो तुम आइटम प्रोविजन अकाउंट से निकाल के एसेट डिस्पोजल में भेज रहे हो, वो वहां नहीं भेज के एसेट अकाउंट में भेज दो और वहीं बाय रियल और बाय बैंक कर दो, तो अपने आप ही वहीं खत्म हो जाएगा। बट हम लोगों को यही बोला जाता है कि सेपरेटली एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोल दो। तो ये है आपका प्रोविजन मेथड, पूरा डिप्रिजाइड रिकैप था ये। एक में चार जनरल एंट्री, एक में छह जनरल एंट्री, वर्किंग का मेथड आप जानते हैं। तो अगर वर्किंग का मेथड और वो चार और छह जनरल एंट्री क्लियर हो ब्रेन में, तो आपका काम खत्म। परचेज का एंट्री, सेल का एंट्री, परचेज का एंट्री, डिप्री का एंट्री, डिप्री को पीएल में भेजने का एंट्री और सेल का एंट्री, ये चार एंट्री कॉमन है विदाउट प्रोविजन मेथड में। और विद प्रोविजन में परचेज का एंट्री, डिप्री का एंट्री, पीएल में भेजने का एंट्री, उसके अलावा दो एंट्री और बढ़ गया। सेल का एंट्री भी कॉमन है चार, खाली दो एंट्री बढ़ गया, जिस साल एसेट बेचे उस साल दो एंट्री बढ़ गया। एसेट अकाउंट को एसेट डिस्पोजल में भेजना है और प्रोविजन भी एसेट डिस्पोजल में भेजना है। ठीक है सर, ये है आपका पूरा चैप्टर। स्कूल में अभी विद प्रोविजन चालू हुआ है? हाँ सर। तो ठीक है, तो स्कूल में भी करो, जो भी डाउट होगा हमको बोलो। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई सम्स का प्रॉब्लम होगा तो एक ही काम करोगे, बुक से हमको थोड़ा पीडीएफ बना के भेज दोगे। ठीक सर। तो हम क्या करेंगे, वेडनेसडे वाले क्लास में आपको वही सम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, आपने मतलब स्क्रीन पे सॉल्व कर लिया। तो आप हमको पीडीएफ बना के भेज देना एक रात पहले कि सर ये वाला सम्स है जो आपको अभी हमको करवा के दीजिए, तो वेडनेसडे वाला क्लास में ये कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर। तो आपका ये चैप्टर था सर, आप ये दोनों पीडीएफ